अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अली रसा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो देखने वाले आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखे, ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के सिस्टम में बड़ी तब्दीली हो चुकी है। यूनिवर्सिटी के जो सिस्टम है चेंज कर दिया गया है, CMS के थ्रू कर दिया गया है। अब इस सिस्टम की जो बड़ी तब्दीली इसके अंदर आई है, इसको समझना इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कंटिन्यू है या न्यू है, तो आपके लिए स्टूडेंट्स समझना बहुत ही ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी का जो पहले सिस्टम था वो थोड़ा सा चेंज था, अब इसके थ्रू आपके एग्जाम होंगे, इसके थ्रू आपके एडमिशन होगा। एवरीथिंग जो इधर मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो जो अपडेट्स आई हैं, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी बात को आपने अच्छे से समझना है। अगर कोई बात को पॉइंट समझ ना आए तो थोड़ा सा पीछे वीडियो को कर लीजिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फुल कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ना दे पाया तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो मैसेज आपको जरूर दूंगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, ये मेरा रिवार्ड है, इससे मुझे हौसला अफजाई होगी और ये शेयरिंग इसी तरह मैं आपके साथ जारी रखूंगा। और चैनल ब्रेन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ब्रेन अकेडमी को सब्सक्राइब करके साथ में घड़ी घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। अच्छा, कुछ मैंने पॉइंट यहां पर बनाए हैं, टोटली जो है 7 पॉइंट है। इसके अलावा कुछ मजीद कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात हुई है वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, पहले हम इस बॉक्स को समझते हैं, ये यूनिवर्सिटी ने क्या क्या सेटअप अपने सिस्टम के अंदर लॉन्च किए हैं, और इसको समझना तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और इस वीडियो को आपने आगे शेयर भी करना है और अपने तमाम दोस्तों को बताना भी है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 पर है एकेडमिक रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर बताया जाएगा आपके कोर्स कोड और आपकी क्लास बताई जाएगी। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो अगर आप अपने कोर्स कोड जानना चाहते हैं, आपकी बुक्स के कोर्स कोड कौन से हैं, तो आप एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर चेक कर पाएंगे। उसके बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या पता चलेगा, आपका नेम, ठीक है, फादर नेम, आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह वहाँ पे प्रोफाइल में आ जाएगा। तो उसमें आपने देखना है आपका नाम सही है, स्पेलिंग सही है, गलत है, कुछ भी आप पिक की आपकी सही नहीं लगी हुई, तो कोई भी मसला है तो आपने उसको उसकी करेक्शन भी करवानी है। वो कैसे करवानी है नीचे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक कैंपस पर्सनल इन्फो, कैंपस पर्सनल इन्फो में स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा, एड्रेस होगा, ठीक है, वगैरह इस तरह का रिलेटेड कैंपस पर्सनल इन्फो में होगा। अब आपने वहां पे चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर ठीक है, आपका मतलब कि ईमेल एड्रेस भी सही है, इस तरह के। काफी स्टूडेंट्स बाद में मुझे कमेंट करते हैं कि सर मुझे मैसेज यूनिवर्सिटी की जानिब से पहले आते थे, अब नहीं आते, तो आपने वहां पे जल्दी से जाना है, अब नंबर चेक करने। अगर आपका नंबर सही है तो फिर तो सही बात है, अगर नंबर वहां पे कोई और नजर आ रहा है तो सबसे पहले हमें करेक्शन करवानी होगी, नंबर वगैरह चेक करना होगा, क्या अब क्या आ गया या कोई मसला तो नहीं हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट के ऊपर चेक करनी, मैं लिंक आपको दे दूंगा, पहले आप समझ लें। स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर 4 पे जो आपका काम है वो ये है कोर्स रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड है, थर्ड है, आगे आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन करवाना है, तो फिर आपको इस पोर्शन में, इस वाले में आपको आना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 5 पे स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंतहाई जरूरी है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई मसला आया है, यहाँ पर कोई मसला है, यहाँ पर कोई मसला है, यहाँ पर कोई मसला है, आपका नेम सही नहीं है, फोन नंबर सही नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर सही नहीं है, ईमेल सही नहीं है, या आपका नेम आईडी कार्ड पे सही नहीं आ रहा, कोई भी कोई इशू आ रहा है, यहाँ पर अपनी करेक्शन करवा सकते हैं। बात करते हैं एंड वाले जो 6 और 7 की, तो नंबर 6 पे स्टूडेंट्स क्या चीज है, नंबर 6 पे है एग्जाम एंड ग्रेड। एग्जाम एंड ग्रेड, यहां पर आप अपने नंबर चेक कर सकते हैं, ग्रेड चेक कर सकते हैं, आपके कितने नंबर आए और कितने ग्रेड आपको मिले। नंबर 7 जो लास्ट होता है गया, मेलिंग बुक्स ट्रैकिंग। अब आपको पता होगा और आप जानने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे कि आपकी बुक्स आई है या नहीं आई, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी बुक्स यूनिवर्सिटी की जाने से सेंड कर दी गई है, आप पोस्ट ऑफिस से पता करें। याद रखिएगा ये 7 वाला ऑप्शन जो है ये मैट्रिक एफए बीए के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी तलबा के लिए नहीं है, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो 7 पॉइंट थे आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं, ये यूनिवर्सिटी की जानिब से लेटेस्ट और फाइनली अपडेट आई है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बहुत 19-20 चेंजिंग होती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। खैर, अब मुझे दीजिए कि जस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ।